हेलो, नमस्ते जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुड़िया सोई है, कहीं वो उठ ना जाए, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, तो हम साथ हैं। साथ का मतलब आज साथ है, मतलब साथ हो बहुत टाइम से है, पर आज कुछ खास है। तो खास क्या है? खास ये है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 5th ईयर लग चुका है। और अगर हम साथ की बात करें तो हम कम से कम 15 साल से साथ हैं, 10 साल रिलेशनशिप और 5 ईयर मैरिज। तो बहुत लंबा टाइम साथ में गुजर चुका है। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जो अच्छे भी थे, बुरे भी थे, पर फिर भी साथ हैं। और आज के टाइम हम 2 से 3 भी हो चुके हैं, तो कुछ बात ही और है। यार ये खराबी हो गई ना। कुछ अरे गुड़िया उठ गई है, फिलहाल अभी मैं इसको सुला लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सोके उठ गया, गुड नाइट। तू भी करके डांस सो हाय गाइस, कर, तू भी करके डांस। मेरी हम पतली उठ कमर नहीं उठ पा रही है। गए हैं। उठ गया हूँ। हम उठ गए हैं और चेहो अभी भी सोई है, तो हमने सोचा क्यों उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम ऊपर आते हैं। तो हम बाहर बाहर वाले प्लेस में आ गए हैं। तो बात कहाँ बैठी? अच्छा ये बताओ, इतने साल हो गए आपको मेरे साथ, कैसे लगा? अच्छा लग रहा है। पता क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, हमारा जिस वक्त का प्यार था, उस वक्त हम स्कूल में थे, उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होती है माइंड में, कि जैसे आज के टाइम हम देखते हैं ना कि वेल सेटल्ड होगा, किसी से शादी करनी हो वो वेल सेटल्ड हो, या फिर लड़की को अगर लड़का देखता है तो वो भी कुछ चीज़ें देख के ही शादी करता है उससे। लेकिन उस टाइम कुछ अलग तरह का वो होता था, ये सारी चीज़ें नहीं देखते थे। और उस टाइम हम पैदा भी 90s वाली फिल्मों को देख देख के हुए थे ना, तो जो फीलिंग थी वो भी इस तरह की थी कि साथ अगर निभाएंगे तो जन्मों जन्मों तक निभाएंगे। और आपको मैं बताऊं, उस टाइम से लेके हमारे बॉडी में, हमारी सोच में, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया है। तो आपको छोटे छोटे हम फोटो भी बताएंगे साथ में कि उस टाइम हम कैसे थे। हम दोनों बहुत सुखर सुखर थे। मैं तो अभी उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ, पर ये थोड़े हो गए हैं। मैं तो बहुत सूखा था, बहुत ज्यादा हवा लगती तो उल्टा पूरा। सही बात है। हाँ तो कुछ ऐसा है, तो आप देख लो हमारे साथ, तो ये फोटो भी देख लो। चलो दिखाओ। तो देखिए आपने फोटो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखा कैसे थे हम, बहुत चेंज हो गए। और आज के टाइम अगर आप देखोगे तो हम दोनों में बहुत चेंज आ गया। अब तो हम बूढ़े होने के कगार पे आ गए हैं। उन्हें की नहीं, मैं तो वो ही गया बूढ़ा ही। देखो सेम ईयर शक्ल की 12 बजे। यार पहले क्या हुआ किसी से। करता था, हाँ बढ़िया अपना चश्मा लगा के एकदम सूट बूट में बढ़िया। अरे दिन की कम से कम 10 लड़कियां घूरती थी। अब वो क्यों घूरती थी पता नहीं, पर घूरती जरूर थी। बस टाइम टाइम की बात है, अब थोड़ा बदल गया है, बहुत टाइम बदल गया है। लाइफ अब वैसी नहीं रही क्योंकि जैसे हम हाँ सोचे थे उस टाइम। मतलब अलग है जिंदगी, अब सोचना पड़ता है क्या ही चीज़ें। अब 15 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हम उनके फोटोज देखते हैं जवानी के, तो हम कहते हैं कि आप ऐसे थे। आजकल हम खुद के ही फोटोज देखते हैं उस टाइम के, तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे भी थे। तो हम ऐसे थे। हाँ, बहुत चेंज आ गया, मतलब तब से लेके अभी तक। और ये सफर इतना आसान भी नहीं था। 2010 से ये शुरू हुआ था, है ना? 2010 नवंबर 2010 से शुरू हुई थी कहानी, आज 2023 इस 13 सालों, कितने सालों? नवंबर 2008 से। नहीं, 8 8 तो नहीं, हाँ आ 9, पता नहीं। 8 9। हाँ 8 9 साल है, 2008 अब आप के ये 9 में। बोलोगे कि यहाँ क्या बचपन से प्यार करने लगे थे? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उतने भी नहीं थे, हम ऐसे थे। मैं 1 में थी और ये 2 में थे, उतने छोटे भी नहीं थे, पर उतने बड़े भी नहीं थे। हाँ 2008 के एंड एंड की 9 में ऐसा शुरू हुआ था। तो चला जा रहा है, चलते बहुत जा रहे सफर हैं। गया, स्कूल का, कॉलेज का, बच्चे भी थे, मेच्योरिटी भी आई, और फिर शादी का सफर भी इतना आसान नहीं था। किसी तरह से मतलब ऐसा था कि बस अगर दिल में अरमा हो एक दूसरे के लिए, तो हर एक रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होता है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि इतने लंबे रिलेशनशिप में फिर शादी हो। ये बंद करनी पड़ेगी, दूसरी शुरू करनी पड़ेगी। और फिर बाकी तो आप देख लो कि थोड़ा बीच के मोमेंट क्या थे। अब और आपको बताएंगे हम सब कुछ, देखते जाइए आप। थोड़ा थोड़ा हाईलाइट है ये, मतलब ब्रीफली बताना पड़े तो डॉक्यूमेंट कीजिएगा हाँ कि हफ्ता आपने भर लग हमारी जाएगा स्टोरी बताने में जो सुनी भी था है। कहानी। चलो इस वीडियो को क्लोज करते हैं, दूसरी बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी शक्ल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गई, ये है कॉलेज टाइम की।
मेरा कॉलेज टाइम था और इनका जॉब टाइम था, और साथ में यहाँ पे जो ये फोटो है ये है मेरे बर्थडे की, ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो एंडी एंडी गोल ऐसा ना हमारे फिर लिए, लाइफ में एक गुड न्यूज़ आई, खुशखबरी आई, एक गुड़िया मतलब कि हुई। हमारी लाइफ में जो कुछ भी रहा ना वो थोड़ा टाइम से नहीं हुआ, सब कुछ हाँ थोड़ा सा लेट लेट ही बिल्कुल, अरे कहना क्या चाहते हो? अफेयर लंबा चला वो भी लेट, शादी लंबी वो भी लेट, सब कुछ लेट, बच्चा थोड़ा, चलो जो भी है भगवान ने जैसा करना अपनी मर्जी से करना है, पर भगवान जरूर है, मैं ये बात मानता हूँ। हाँ, जब से बेबी हुए तब से यही रट लगा करते भगवान है, मैं मानता हूँ, कोई माने ना माने भगवान है, ऐसा है। तो बाकी चला है इस तरह से, जो भी है जैसे भी, बाकी आपको अपडेट हर चीज का देते रहेंगे, चलता रहेगा जैसे भी होगा। तो आज सोचा कि चलो इस आज के दिन पे हम थोड़ा सा कुछ आपके साथ शेयर करें, और संडे भी है, आज भी ये वीडियो आ सकती है, कल भी आ सकती है, मतलब कि अब 2 दिन के अंदर, जैसे कल कि कल हाँ, आएगी अभी। क्योंकि 11-12 में तो शादी थी, अब आज डालो कल डालो। तो आपके शादी साथ कुछ एक करके मोमेंट शेयर किए।4 साल पूरी, 5वीं लग गई है, अब चलिए जिंदगी भर चला रहे हैं, खुश है, चला है सब कुछ। बस आप आगे लोग भी ये सब बना रहे, हाँ आपस में प्यार होना चाहिए, बाकी क्या है ना। बिल्कुल, बाकी तो आराम से जिंदगी कट जाती है। बाकी आपको मोमेंट्स और बताते, कुछ पिक्चर्स वगैरह उसमें थोड़ा। और जिंदगी में आगे आगे चलते ये थोड़े से हेल्दी हो गए, मतलब बीमार हुए थे उसके बाद अच्छे हो गए, तो हेल्दी हो गए, और अब मोमेंट आ गया है शादी का, जब हमने शादी रचा दी 8-10 सालों के बाद। तो ये शादी की फोटो है, और उसके बाद ये है जब हम गए थे पग फेरे, मतलब दनोजू। तो बाकी बाद के मोमेंट आप देखते जाओ साथ साथ में। तो कुछ इस तरह से हम थोड़े थोड़े से जवान हुए, जवान से हम थोड़े से अब मैच्योर हो रहे हैं, और मैच्योर हो रहे हैं, तो बस कुछ इस तरह से है। तो आप इंजॉय कीजिएगा। ठीक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय बाय। एक्चुअली थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, मैं वीडियो तो 2 घंटे की क्या बना करें, लूंगा। गरीब आदमी ना, पटे कपड़े, पटी प्लेट, स्पेस अरे नहीं है, बहुत कुछ है, एक्चुअली फिर भी खुश है इसमें डाटा क्योंकि भरा हम पड़ा है आपस ना, में पेन ड्राइव फन फुल बांटते पड़ा है। रहते हैं बहुत ज्यादा। फन ये बहुत फनी है, इन्हें मेरे को बहुत खुश रखा है जिंदगी में, ऐसा पति कहीं नहीं मिलेगा, सच अरे बोल रही हूँ मैं, वो क्या है ना, सच में। पेन ड्राइव फुल पड़ा है, इसमें डाटा थोड़ा, कोई कभी बात नहीं, मत करो एक्सप्लेन, हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही है, काम का डाटा हम है, कुछ ऐसे ही है, ये है कोई बात वो है। नहीं। चलो बताते हैं आप।